मूवी हाँ, मैंने मूवी कितनी बुकिंग हुई है। मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 7:45। मैं पहुंच गया हूं शालीमार PVR सिनेमा पर मूवी देखने पठान, क्योंकि रात को ना हमको यहां पे टिकट नहीं मिली, सारे हाउसफुल थे और दिन में भी टिकट नहीं थी, इसलिए हमने अर्ली मॉर्निंग की टिकट बुक की है। सारे साथ में है, अभी हम मूवी देखने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत सुबह सुबह ठंड भी लगी, ठंडा ठंडा फील हो रहा है और थोड़ा बहुत लिटिल बिट फॉगी भी है आज का जो वेदर है। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एंड में हम पब्लिक रिव्यू भी लेंगे और बताएंगे भी आपको मूवी कैसी है। चल 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 चल, एंट्री कर एंट्री कर। नहीं स्टार्ट हुई, अभी हाउसफुल है। चलो भाई, ये लोग तो बहुत सारे आए हुए थे, आधे लोग बाहर जा चुके हैं और आधे भी हैं, मतलब पूरा हाउसफुल है। देखा आपने मूवी? हाँ, मैंने मूवी देखी। जब सलमान भाई की एंट्री होती है ना, उसके बाद सलमान या शाहरुख? नहीं, शाहरुख तो है इसमें। हाँ। सलमान की भी एंट्री, सलमान का कैमियो रोल होता है। अच्छा, सलमान क्या फैन है, हम इसलिए देखने के लिए गए। अच्छी थी, क्या लगी अच्छी? सबसे अच्छी क्या लगी? मतलब तो इसको तो जवाब मिल ही चुका है यार, जितनी बुकिंग हुई है विनोद वालों को तो जवाब मिल ही चुका है। और एक यूनिवर्स हमारा तैयार हो चुका है, स्पाई यूनिवर्स। कॉप यूनिवर्स के बाद स्पाई यूनिवर्स फाइनली आ चुका है और किंग खान है इसके अंदर, और हमें कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो सब मिला है। फाइनली किंग खान ने कम बैक किया है। तो आप मूवी देखने जा रहे हो, देख के आ गए? देख के आए। तो आपको कैसी लगी मूवी? मूवी काफी अच्छी थी और स्टोरी वगैरह अच्छा क्रिएट कर रखा था। अच्छा। बस थोड़ा VFX का इधर उधर कह सकते। सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा मूवी का? सबसे अच्छा पार्ट था, मैं चेसिंग वाला सीन कहूंगा। अच्छा। जब आइस पे चेसिंग होती है, मुझे वो सबसे बेस्ट लगा। और सलमान भाई वाला तो बेस्ट ही है। अरे उसकी तो बात ही अलग। और आप? बहुत अच्छी मूवी थी, और सबसे अच्छा सीन तो वो था जो गांव को बजाता है पठान किंग खान। अच्छा, तो वो सबसे अच्छा सीन। अच्छा, इसमें कंट्रोवर्सी भी तो चल रही थी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। तुम भाई? इसका तो क्या है जवाब दें। अच्छा, मतलब ऑल ओवर मूवी कैसी है? बहुत अच्छी मूवी थी और फुल्ली लोडेड एक्शन। सबको देखनी चाहिए? सबको हाँ देखनी चाहिए, बस SRK के फन को तो मस्ट देखनी चाहिए। भाई मूवी देख के आ गए, तो एक एक करके सबसे पूछता हूँ। शिवम बता, मूवी कैसी थी? भाई किंग खान 4 साल बाद आ चुका है और बहुत तगड़ा आया है। मतलब मूवी यार, जो 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 आपको चाहिए ना, वो है इसमें। एक्शन, इमोशन, ड्रामा सब है यार, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेगा सलमान खान की एंट्री पे? भाई जान की एंट्री पे तो सीख दिया। हंटर भाई आप बताओ मूवी के बारे में। मूवी तो अच्छी थी, पर कुछ चीजें थी जो और अच्छी हो सकती थी। जैसे VFX और अच्छा हो सकता था। VFX में कुछ जगह पे ऐसा लग रहा था जैसे नकली है। हाँ। तो उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, और बाकी स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। और जॉन ने जो दोनों हेलीकॉप्टर, यार वो तो मैं सीन क्या बताऊं, जॉन ने 2 हेलीकॉप्टर एक हाथ से खींचे, मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो उस पर मेहनत करनी चाहिए इनको। आई थिंक ये ना आगे भी पार्ट आएगा इनका। हाँ, नेक्स्ट पार्ट तो आएगा इसका। चलो देखते हैं, वैसे मूवी तो अच्छी थी, वैसे आपको देखनी चाहिए। ये हमारे सन्नी भाई। सन्नी भाई बताओ मूवी के बारे में। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। शाहरुख खान का मैं फैन नहीं था, लेकिन अब हो चुका हूँ। और हमारे जो सल्लू भाई है, वो उनके जब डंडा मारा, वो भूल गया था कि भाई खड़े हैं। प्रेम रतन धन पायो। SRK ने बहुत अच्छा कमबैक किया, 4 साल बाद कमबैक किया है। और कल रात हम आए थे, हमें बिल्कुल भी टिकट नहीं मिली थी, इसलिए हम नेक्स्ट मॉर्निंग में सबसे पहला ही शो हमने बुक कर दिया था और हम सारे देखने आए। और जॉन का, मतलब कि जो करेक्टर था विलन का, वो भी काफी अच्छा था। थोड़ा बहुत ओवर हुआ, बट ऑल ओवर बोला जाए तो बहुत अच्छा था।